Once again, very very good morning to all dear students and welcome back to our English thread. Okay, so dear students, in previous thread we have talked about homographs and words meanings. Okay, also we have seen spelling and vocabulary from the poem unit number 4, The Wind and the Sun. Okay, so today we are going to talk about the articles. All right, learning grammar from page number 47. So please open page number 47, but before that let's learn about the indefinite articles. Okay, actually dear students, there are two types of articles in English: definite articles and indefinite articles. Okay, definite articles and indefinite articles are a, an, and the. We use the indefinite article a and an before singular countable noun. A और an को indefinite articles कहते हैं और इनका प्रयोग हम singular countable nouns के पहले करते हैं. हम इसके पहले भी देख चुके हैं. ओके, an इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल्स a, e, i, o, u. an का प्रयोग हम वॉवेल्स वर्ड से शुरू होने वाले नाउंस के साथ में करते हैं, जबकि ए का प्रयोग हम कंसोनेंट्स वाले साउंड्स के साथ में करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट से राजू इज इंटेलिजेंट बॉय, तो उसकी जगह पे हमें करना कहना पड़ेगा राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ऑलराइट, हम ये नहीं कह सकते आई एम चाइल्ड, हमें कहना पड़ेगा आई एम अ चाइल्ड. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ ए एंड एन. एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन. ओके, अ बॉय, अ गर्ल, अ कार, अ ट्री. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेट आर्टिकल. ओके, द अनदर डेफिनेट आर्टिकल इज द. डियर स्टूडेंट्स, व्हाई दिस द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल? बिकॉज इट इज यूज टू शो पर्टिकुलर नाउन. ओके, वेरी वेरी स्पेशल और पर्टिकुलर नाउन, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. इट्स पोजिशन इज फिक्स. ओके, लेट सी वेयर द आर्टिकल इज यूज. द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस नाउन के सामने में करते हैं, चलो देखते हैं. लेट सी, द फर्स्ट रूल इज दैट द इज यूज वेन वी मैंशन समथिंग अगेन. मीन्स in a sentence or in a paragraph or story, when we want to talk about some noun, some subject again and again, then okay, in the first time we not use the, but the second time, the next time we use the. Let's see, Raju is an intelligent boy. First time हमने a और an का प्रयोग करेंगे. He is the boy who comes first in the quiz we had at school today. Okay, तो यहाँ पर पहली बार में ए और एन का प्रयोग किया गया है, बट सेकंड बार उसी के बारे में बात करनी है तो हमने द का प्रयोग किया. ओके, द का प्रयोग कहाँ करते हैं? द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जब किसी खास पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं. द मैन वीरिंग द काउबॉय हैट वॉज स्टैंडिंग एट द काउंटर इन द बैंक. ओके, सो इसका मतलब हम जिस काउबॉय की बात कर रहे हैं या जिस काउंटर की बात कर रहे हैं उसके बजाय जिस मैन की बात कर रहे हैं, हमें पहले से ही पता है कि हम किस मैन की बात कर रहे हैं. और द आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड. जो अपने आप में खास होता है, यूनिक होता है पूरी दुनिया में. ओके, ऐसे चीज़ों के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ऑन द अर्थ, यूनिक है. ओके, द सन सभी प्लैनेट्स के नाम के साथ में द लगेगा. वी यूज द आर्टिकल विद द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. रवि कैन प्ले द गिटार, द ड्रम्स एंड द ट्रम्पेट. ऑलराइट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में लगेगा द का प्रयोग. व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्म फोर्सेस, जब हम अपनी आर्म फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो उसके सामने में हम द लगाएंगे. द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स आर थ्री ब्रांचेस ऑफ द आर्म फोर्सेस. ऑलराइट, वी यूज आर्टिकल द विद सम टाइटल्स. द प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट ऑन राजपथ ऑन रिपब्लिक डे. ओके, टाइटल्स, नामों के टाइटल्स के साथ.
विद द नेम्स ऑफ ओशन सीज रिवर्स एंड कैनल्स. ओके, इनके साथ में हम द लगाएंगे ओशंस के साथ में, सीज के, रिवर्स के और कैनल्स के नाम के. बट इज नॉट यूज विद द नेम्स ऑफ लेक्स. लेकिन तालाबों के नामों के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द ब्रह्मपुत्र, द गंगेज एंड द मेघना रिवर ज्वाइन एंड फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल. ओके, हम और द का प्रयोग कर सकते हैं. द स्काई बोल सकते हैं, द ग्राउंड, द एनवायरमेंट, द सी, द रेडियो, द सिनेमा, द थिएटर, द एयरपोर्ट, द स्टेशन, द टेलीविजन सेट कह सकते हैं. बट वी कैन नॉट से ओके द टीवी और टेलीविजन. ओके, वी हैव टू रिमूव द आर्टिकल द. ओके, नाउ लेट्स सी the use of article the in the sentences. All right, so please turn your page number 48. So I'm on page number 48. Let's do the exercise. Okay, so let's fill it. So the first, fill in the blanks with a, an or the. Put a cross where no articles are required. Okay, jahan par articles ki zarurat nahi hai hame wahan par क्रॉस करना है. ऑन इंडिपेंडेंस डे. ओके, सो ऑन इंडिपेंडेंस डे हियर नो आर्टिकल. प्राइम मिनिस्टर इज द टाइटल, सो द प्राइम मिनिस्टर. ओके, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन. ओके, फ्रॉम द रेड फोर्ट, मॉन्यूमेंट का नाम है द रेड फोर्ट. ओके, पीपल लिसन टू हिज स्पीच ऑन, अभी हमने पता है द रेडियो, ऑन द रेडियो एंड वॉच the program on television. Okay, no, my number second, my uncle is in armed forces. Ke sath mein the lagate, in the army. My brother was has joined just joined the navy. Okay, I would like to join the air force. Humne bataye sabhi armed forces ke sath mein the lagate. I know I am a girl. Okay, but I am intelligent, vowel A, so an intelligent and brave girl. I would like to become officer in the Air Force, so an officer. Okay, all right, I would like to be a pilot, to become a pilot. Okay, so number three, Ravi's parents have bought him musical instrument set ke sath mein a drum set. All right, he is very happy, but there is a problem. He wants to play the drums. Okay, as soon as he returns from school, his mother has to tell him to stop it. Then he takes out the guitar. Okay, he got as a Diwali gift. And again, there is an awful, okay, vowels should have the noise in the house. Okay, is there a solution to this problem? Okay, so this is how we use a, an or the. Alright dear students, I hope you have understood the maximum use of the in the sentence. Also we have seen the use of article a and. Alright, now let's see some more grammatical items. Use some. Okay, let's see, these are called determiners. Some ka prayog hum kaha karenge. Alright, chalo dekhte some ka use hum kaha karte. So सम का प्रयोग हम करेंगे. वी यूज सम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स टू मीन अ नंबर ऑफ. ओके, सम काउज वर ग्रेजिंग इन फार्मर्स गोफीज फील्ड. ओके, सम मतलब जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, कुछ ओके, जिनको हम गिन सकते हैं. सम का हम काउंटेबल नाउन्स के साथ में करेंगे प्लूरल. ऑल्सो वी यूज अनकाउंटेबल नाउन्स टू मीन एन अमाउंट ऑफ. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी हम सम का प्रयोग करेंगे. ओके, मतलब उसकी प्रमाण मात्रा जानने के लिए. ही हैज सम शुगर विथ हिज कॉफी, प्लीज मे आई हैव सम जूस. दिस इज यूज विथ द अनकाउंटेबल नाउन. ऑलराइट, सम इज नॉर्मली यूज विथ पॉजिटिव सेंटेंसेस. डियर स्टूडेंट्स, सम का जनरली प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस करते हैं. व्हाइल एनी इज यूज विथ नेगेटिव सेंटेंसेस, जबकि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं. रीता हैज सम वाटर इन हर वाटर बॉटल, I haven't got any water in my water bottle. यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस सम यूज किए, नेगेटिव सेंटेंस में हमने एनी यूज किए. सम और एनी कैन बी यूज इन क्वेश्चन बट नॉर्मली एनी इज यूज. ओके,
क्वेश्चन पूछते वक्त हम सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किंतु नॉर्मली हम एनी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं. इज देयर सम पीकल इन द बॉटल, इज देयर एनी पीकल इन द बॉटल. ओके, सो सम इज नॉर्मली यूज इन क्वेश्चन वेन यू हैव एन आइडिया दैट द आंसर विल बी यस. जब हमें पता होता है कि आंसर यस होगा तो हम सम से क्वेश्चन करते हैं. ओके, डिड यू बाय सम मैंगोज, दे वर ऑन योर शॉपिंग लिस्ट. नो आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, यस आई डिड बाय सम मैंगोज. ओके, सो नेगेटिव मीनिंग के लिए एनी यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव मीनिंग के लिए सम का प्रयोग करते हैं. लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी. ऑलराइट डियर स्टूडेंट, सो दिस द कन्वर्सेशन. लेट्स डू दिस एक्टिविटी. डैड सीमा, डिड यू रिमेंबर टू बाय सम सोप. ओके, काउंटेबल सम सोप. सो मॉम सेड, मॉम रिप्लाइड, ओ नो आई कंप्लीटली फॉरगॉट, आई डिडंट बाय नेगेटिव, सो डिडंट बाय एनी सोप. सो लीला सेड, बट मॉम आई रोट इट ऑन योर शॉपिंग लिस्ट. लेट्स डू इट फ्रॉम पेज नंबर 49. Mom said, I had to buy some rice also. Okay, some rice also. But I left the list at home. In fact, there it is on the table. So that's it. Then what did you buy, Sima? I bought some coffee and some sugar. Kuch thodi si li. Okay, I didn't have negative, so any tea bags either. But the shop didn't have, again negative, any Twinings tea bags today. I didn't want to buy any, again negative, okay, I didn't want. So any other brand, Lila. Mom, did you buy me some soya chips? Kuch liye ke mere liye? So mom said, of course Lila, I did remember that we didn't have, again, any packets left after your friends feasted on them. Yesterday, okay. So in this way we have used, dear students, some and any. I hope you have understood it well. Practice it well at your home. Complete it in your notebook and textbook and learn well. Thank you. We will see in the next grade. Okay.